मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बातचीत करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से वीडियो हम महर्षि दयानंद सरस्वती को जो है समर्पित करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक और राष्ट्रीय एकता में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने जो है अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से यह समाज को एक नई दिशा जो है प्रदान की है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने वेदों की, संस्कृत आदि का गहरा अध्ययन किया। और एक दिन जो उनका परिवार था वह शिव भगत था, एक दिन जब उन्होंने देखा कि मंदिर में जो है जो शिव के आगे जो प्रसाद था उसको चूहे खा रहे थे, तब जो है उस दिन से उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ और मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन जो है करना शुरू कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने जाति प्रथा जैसी बुराइयों का विरोध किया, नारी शिक्षा जो जरूरी थी उस पर बल दिया कि जब तक कोई भी समाज जो है तरक्की नहीं कर सकता, जब तक वहाँ की जो है महिलाएं शिक्षित न हो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर एक है, वही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, ताकि सभी जो है एक ही ईश्वर से जुड़े और उसकी ही उपासना करें। और सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है ग्रंथ की उन्होंने रचना की, जिन्होंने एक मार्गदर्शन के रूप में जो है समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और समाज में जो फैली हुई बुराइयों का जो है अपने ग्रंथ के माध्यम से जो है उन्होंने जो है उनका विरोध किया कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं वो समाज को जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने यह आह्वान किया कि सबसे पहले कि भारत भारतीयों के लिए है। इससे पता चलता है कि वो राष्ट्रीय एकता के बारे में जो है बहुत सोचते थे और स्वराज्य नाम का जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया और जिसको आगे जो है लोकमान्य तिलक ने जो है अपने संघर्ष में उसको अपनाया। इस प्रकार जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक समाज सुधारक थे, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे, नारी शिक्षा पर उन्होंने बहुत जो है बल दिया और वो अंग्रेजी शासन का जो है सबसे पहले उन्होंने विरोध किया कि स्वशासन जो है एक अच्छा जो विदेशी शासन से बहुत अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने जो है समाज को एक नई दिशा जो है प्रदान की। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को यह अपनी एक वीडियो अर्पित करता हूँ और समाज का जो युवा वर्ग है उनसे और दूसरे अन्य वर्ग सबसे यह अनुरोध करता हूँ कि वो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं उन पर उनका अनुसरण करें और एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद।